छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में संक्रमण बढ़ने के साथ साथ अब सियासत भी बढ़ने लगी है। बीजेपी नेता लगातार आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन भी पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना को लेकर हो रही अव्यवस्थाओं की शिकायत राज्यपाल से की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार व्यवस्थाओं को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है। उन्होंने राज्यपाल के सामने मुफ्त चिकित्सा सहित कई मांगे रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसा। ये आदेश होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सकों के कोविड 19 संक्रमणों के इलाज होने पर ये सारा व्यय मरीज वहन करेगा और स्वयं के व्यय से वो पूरा इलाज कराएगा। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आयुष्मान भारत से इलाज करेंगे। यहाँ तक की स्थिति है कि डेड बॉडी स्टोरेज में कैरिज में रखा है, उसमें 2500 रुपया के बिना उसकी बॉडी नहीं दी जाएगी। अरे भाई, ये मानवता है? ये स्थिति है कि ये आदेश सरकार जारी करता है? अस्पताल में कंफ्यूजन की स्थिति है। लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस स्पष्टता इस सरकार में कोई नीति कोविड को लेकर के नहीं है, जिससे जनता ये जान सके कि सरकार क्या कर रही है। और ये भयावह स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने महामहिम से मिला और मिल करके सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए आग्रह करें कि क्या इनके पास व्यवस्था नहीं है, कितनी पैसा आवंटित किए, किस किस जिला को कितना दिए हैं, कितना बेड बढ़ाए हैं और क्या सुविधाएं मिल रही है। जिनको आज बेड की व्यवस्था नहीं वो कहां जाएं, ये सरकार को तय करने की आवश्यकता है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर महामारी में राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि ये मुश्किल वक्त है और कोरोना सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। ऐसे बुरे वक्त में राजनीति करने की बजाय सभी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजभवन जाकर ज्ञापन देना सीधे सीधे राजनीति करने का प्रयास है। महामारी से निपटने के लिए सबको हाथ मिलाने की जरूरत है, सबको साथ आने की जरूरत है। बहुत समय पड़ा है, राजनीति फिर कर लेंगे भाजपा के लोग, लेकिन आज राज्य सरकार के हर काम की आलोचना और हर अच्छे काम की आलोचना, ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना से लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, पुलिस कर्मी सबका मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश इस वक्त बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। कोरोना संक्रमण बेकाबू है। हालांकि लॉकडाउन करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल तो ये कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा। बढ़ती मौतों ने सभी को चिंता में डाल रखा है और ऐसे में हो रही आरोपों की सियासत आम लोगों का कितना भला कर पाएगी, इसका जवाब सियासत से जनता जरूर मांगेगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण इस वक्त अपने चरम पर है और साथ साथ सियासत भी चरम पर है। कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें हो रही है, संक्रमण को लेकर सियासत भी साथ साथ बढ़ी है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मौतें लगातार हो रही हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन साथ साथ सियासत भी बहुत तीखी हो चली है, आरोप प्रत्यारोप चल रही है। केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वाकई इस वक्त जो वक्त है मिलकर लड़ने का है और व्यवस्थाओं को संभालने का है, वरना बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बल्कि कहा जाए दिक्कतें अब हो चुकी हैं। और इस संक्रमण को अगर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और बदतर होते चले जाएंगे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि आखिरकार संक्रमण की जद में जो छत्तीसगढ़ है बाहर निकलेगा कैसे। खास मेहमान हमारे साथ है, रजनीश जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अजय साहू जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। रजनीश जी, आज राजभवन आप लोग प्रतिनिधिमंडल गए, आप लोगों का बहुत सारी शिकायतें वहाँ पर हुई हैं, मुफ्त शिक्षा से लेकर ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष को पूछा नहीं जा रहा है। अभिषेक जी, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। हम लगातार यदि बात करें, मैं अभी आपके चैनल पर हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के उनको सुन रहा था, कल इनका बयान था कि जब हमको पता लगा कि 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है तो हम स्तब्ध रह गए, हम अवाक रह गए। और अभी ये बात कर रहे हैं कि ये राजनीति हम बाद में कर लेंगे, अभी सब साथ मिलके जुड़े। तो कांग्रेस
जो छत्तीसगढ़ की जनता को और सब लोगों को ये समझती है कि ये जो बोले जो कहें वही ठीक है, बाकी और जो बोले वो सब राजनीति है, तो इनको तो आईना तो दिखाया जाएगा। अभिषेक जी, मुख्य रूप से आपने कहा कि क्या शिकायत, शिकायत बिल्कुल नहीं। हम यदि इस सेकंड जो ट्रेंड आया इसको देखें, 6 मार्च तक 290 केस थे टोटल जी। और क्या ऐसे कारण है, ठीक है देश में बढ़ रहा है, देश की बात करेंगे, लेकिन हम अपने पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम देश में अब टॉप में पहुंच गए, 1 लाख के लगभग हमारे एक्टिव केस हो गए। क्या ऐसे कारण थे कि बढ़ा, और ये सब जान रहे हैं क्यों बढ़ा। उसके बाद हमने विधानसभा में कहा कि भाई अभी ये इस प्रकार का आयोजन मत करें, नहीं मानी गई सरकार को। जब रिपोर्ट लगातार 3 जिलों का, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का बढ़ते हुए केस आया, तब बोला गया कि इनको कड़ाई से, इनको सख्ती से इनको रोक लगाई जाए, नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैलेगी। नहीं, उसको रोक लगाया गया। बार बार कहते रहे कि हम नरेंद्र मोदी जी जैसे नहीं करेंगे, हम लॉकडाउन बता के करेंगे, रोक के करेंगे, और उसका परिणाम क्या है, छत्तीसगढ़ आज देख रहा है, भुगत रहा है। अब उसके बाद हम लोग सब वरिष्ठ नेता कलेक्टर के पास जाकर मिले हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आर्थिक दृष्टि से भी जो उसमें हम चाहे विधायक हैं, सांसद हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, क्या जिला में सहयोग कर सकते हैं और क्या प्रदेश में सहयोग कर सकते हैं। आज उसी उद्देश्य से राज्यपाल महोदय से हमारे वरिष्ठ लोग मिले हैं और उनको बता के आए हैं, और जो बात बता के आए हैं उसमें एक भी बात बता दीजिए, अभिषेक जी आप रायपुर रहते हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, फील्ड में घूम भी रहे हैं, क्या उसमें गलत बोले हैं, क्या हॉस्पिटल में बेड है, आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट कितने दिन में आ रहा है, बिलासपुर में 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, होम आइसोलेशन में उनको दवाई नहीं मिल रहा है, जो मृत हो जा रहे हैं हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उनको 4 दिन। मैं आपके सवालों का जवाब अजय जी से लेते चलता हूं। अजय जी, बहुत सारे आरोपों की झड़ी यहाँ पर रजनीश जी ने लगाया है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आज राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है, बहुत सारे जवाब भी मांग रहे हैं। अजय जी देखिए, अभिषेक जी, जब से संक्रमण काल आया है भारतीय जनता पार्टी पर हम लगातार ये कहते रहे हैं कि कोरोना काल में, संक्रमण काल में राजनीति करने का काम कर रही है सरकार, के जो भी निर्णय होते हैं। यही वो छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहाँ पर 6.5-7 लाख मजदूर बाहर से आते हैं और 20,000-22,000 क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था सरकार करती है, और अगर इक्का दुक्का कोई घटना घट जाए तो उसको लेकर के ये किस तरीके का महिमा मंडन करने का काम और ओछी राजनीति करने का काम ये करते रहे हैं, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। रायपुर के सांसद बार बार कहते रहे वेंटिलेटर आया है, उसे आप लगाते क्यों नहीं है। आप अगर खराब वेंटिलेटर देंगे, दोयम दर्जे के वेंटिलेटर देंगे, तो वो काम ही नहीं कर रहा, उसको लगा के करेंगे क्या। आप कहते हैं शिकायत क्यों नहीं किए, भाई जिस कंपनी से केंद्र सरकार ने उस वेंटिलेटर की सप्लाई ली है उस कंपनी को कहा जाए कि वो बना करके दे, इसमें राज्य सरकार का क्या दोष है, हमने बता दिया है वेंटिलेटर खराब है। डॉक्टर रमन सिंह राज्यपाल जी से मिलने जाते हैं, गंभीर विषय है, संक्रमण काल का दौर है, लेकिन हम जो कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये पीआर वाली पार्टी है, इनको मुद्दे पढ़ करके, पॉइंट्स पढ़ करके बताने पड़ते हैं। अभिषेक जी, आपने लगातार रिपोर्टिंग की है, लगातार 5 वर्षों तक माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कभी, मैं ये नहीं समझता कि मुद्दों को पढ़ करके कहा हो, क्योंकि हमारे पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है, हमें स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी जाती। संक्रमण काल का दौर है, हमारी सरकार लड़ रही है, ये कहते हैं रजनीश जी अभी कह रहे थे कि पैसे की जरूरत कहां है, जिले में है, प्रदेश में है, कहां है, बताएं। पिछला जो पहला दौर आया था, पूरी भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम केयर फंड में पूरा पैसा जमा कराया था, उसको भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। रजनीश सिंह स्वयं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में अपनी जो सहयोग राशि वो दी थी, और छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के वोट से आप विधायक बनते हैं, तनख्वाह पाते हैं और पैसा आप जमा करते हैं पीएम केयर फंड में, और कुछ समय बाद बैठ कर कहते हैं आपको अगर सहायता की जरूरत है तो हमसे कहे होते, पहले भी कहा गया था और आज भी कह रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं ये लोग मुख्यमंत्री आपदा कोष में पैसा जमा नहीं कराएंगे, इनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, ये फिर से दिल्ली भेजेंगे पैसा और यहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ राजनीति करने का काम करेंगे। बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात कर रहे हैं, रायपुर स्टेडियम में 300 बेड का वेंटिलेटर वाला अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, किस दुनिया में रह रहे हैं आप। यहां पर जितनी अच्छी, अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सकती है हमारी सरकार मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, आपको उसमें सहयोग करना चाहिए,
तो आप सहयोग करना छोड़ करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये भी छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं रजनीश जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो करतूत है उसको भी देख रहे हैं। देश में हम क्या स्थिति में है उस पर भी जाकर के एक प्रतिनिधि मंडल माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिले, क्यों नहीं मिलता है? जाकर के कहना चाहिए कि आप जो ये चुनाव का जो आयोजन हो रहा है इसके कारण इस तरीके से संक्रमण फैल रहा है। जहां पर आपकी सरकारें नहीं है वहां पर आप अड़ंगे लगवा रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, वैक्सीन देने में देरी करवा रहे हैं, और जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां के आंकड़े भी आप छुपा रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ में 50,000 लोगों की टेस्टिंग होती है तो उसमें 13,000 अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमारी सरकार एक भी आंकड़े छुपाने का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा है। आप गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, सब जगह पर आंकड़े छुपाने के कई बार खेल जो है वो लोगों ने देखे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले मेरा फिर से निवेदन है, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे इस संक्रमण काल में। COVID-19 की लड़ाई में विपक्ष को भी सत्ता पक्ष का साथ लेकर दो तीन सवाल यहाँ पर अजय जी ने उठा दिए हैं, दो तीन सवाल उठा दिए कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, राज्य सरकार पारदर्शिता बरत रही है, दूसरा अस्पताल तैयार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक बार फिर से मुख्यमंत्री मांग रहे हैं पैसा, क्या उसमें आप लोग देंगे? बोलिए अक्षय जी, मेरे को आपके चैनल के माध्यम से अभी ज्ञात हुआ जी कि हमारे अजय साहू जी, अब उनको डॉक्टर कहूं कि क्या कहूं, इतने ज्ञानवान है कि उनके पास मुद्दे बिना पढ़े लिखे वो पाए जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो देख के नहीं बोलते, उनके पास मुद्दे ऐसे होते हो, कभी राजनीति नहीं किए, ये गंगा से नहा के निकल के साफ सुथरा होकर के ना कभी नक्सली गतिविधियों पर मुद्दा में कभी ये राजनीति किए, ये जो बोलते हैं बड़ा संवेदनशीलता के साथ बोलते हैं। वाह 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 कांग्रेस। अब 2 मिनट समय दीजिएगा अभिषेक जी, 2020 में ये कोरोना आया, जब लॉकडाउन की बात हुई, लॉकडाउन लगा, क्या क्या इन्होंने कहा है थोड़ा इनका रिकॉर्ड सुनाइएगा, और नहीं तो मैं सबको भेजूंगा एक दिन इनको सुनवाऊंगा, इनके जितने नेता हैं वो सब क्या क्या, कोई बोल रहा था कि लॉकडाउन क्यों लगाए, बिना बताए लगाए, पूरा राजनीति लॉकडाउन में किए। नंबर एक, श्रमिक की बात बड़ी बड़ी कर रहे थे, 7.5 लाख श्रमिक आए हैं, उसमें भी राजनीति किया कि हमको छत्तीसगढ़ को सरकार हमको श्रमिकों के लिए रेल नहीं दे रही है। पीयूष गोयल जी जब आ गए टीवी में, इनकी होश फाकता हो गए, तब फिर लिख के लेटर दिए कि हमको इतना रेल यहां से यहां तक चाहिए। वैक्सीन की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी कि वैक्सीन जनवरी में वैक्सीन मिला था, विधानसभा में इनके तमाम वरिष्ठ नेता पूरी सरकार ये बोली है कि जब तक हमको ये थर्ड ट्रायल का फेज का हमको मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम इसका ये नहीं करेंगे। पूरे देश के जो हमारी साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इतना दिन रात मेहनत करके, पूरा विश्व को इस पे भरोसा था, छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसा नहीं था, इन कांग्रेसियों को भरोसा नहीं था, और जब हाथ पांव फूलने लगे, जब इनको लगा कंट्रोल से बाहर है तो वैक्सीन 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 इनको वैक्सीन दे दे, उसके बाद भी इन्हीं के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में 12% से अधिक का वैक्सीनेशन करवा लिए। वैक्सीनेशन यदि 12% से अधिक करवा लिए तो कहां से करवाए, कहां से करवाए बताएंगे? थोड़ा वैक्सीन इनको मिला छोटे राज्य के बाद भी, 2.5 करोड़ के जनता के बाद भी। वेंटिलेटर की बात करते हैं, 230 वेंटिलेटर 10 महीने पहले मिला है, और इसको बताइए कि आपने कहां शिकायत की थी कि वेंटिलेटर हमारा खराब है, इसको सुधारा जाए। कल आप स्तब्ध रह गए कांग्रेसियों के बैठक में, जब मुख्यमंत्री जी ने बात रखी सोनिया जी से आपसे, तो कांग्रेसी स्तब्ध रह गए। अरे छत्तीसगढ़ स्तब्ध है, वेंटिलेटर पे आ गया है, आपके जिद के कारण, लापरवाही के कारण, अकर्मण्यता के कारण। और बड़ी बड़ी बात करते हो कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इसमें आप लोग किए, अभी डॉक्टर इंजीनियर का सबका, हमारा हेल्थ वर्कर का, फ्रंट लाइनर का, हमारा ये खराब हो रहा है करके बोल रहे थे, उनका मनोबल कम हो रहा है। जब थाली बजाया गया, दीपक जलाया गया, तो कोरोना भगाने के लिए नहीं था, उनको सबका मनोबल के लिए। आप लोग क्या किए हैं, आज ट्विटर में क्या कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, इनके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, माननीय 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 1,108 श्री, कभी बोलते हैं कि विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं लेते, जब कल स्पुतनिक के लिए बात हुई तो कल फिर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया इन कांग्रेसियों का। तो अभिषेक जी, पूरी देश समझ चुकी है, टीवी में बैठ के चिल्लाते रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
पूरा छत्तीसगढ़ एक सवाल और यहाँ पर था इसमें डाल दिया है और इनको जब आईना दिखाया गया सहायता कोष को लेकर तकलीफ हो रही है। इसी सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोग राज्य में नहीं देते, केयर फंड की बात कर रहे हैं, जब से केयर में दे देते हैं। 10-15 सेकंड में बात समाप्त करता हूं। केयर पीएम केयर फंड की बात कर रहे थे, पीएम केयर फंड का पैसा का जो ये है छत्तीसगढ़ को नहीं मिला है क्या? बताऊं गिनो, 1500 रुपया 500-503 बार जनधन योजना में आया, 3 बार गैस सिलेंडर मुफ्त मिला है, लगभग 500 करोड़ रुपया इनको मिला है सिर्फ कोरोना के लिए, 230 वेंटिलेटर, 5 लाख N95 मास्क, कई लाख गोलियां। आपको जब कुछ नहीं था तो आज रेट से नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? आपने 6 महीने से उनका भुगतान नहीं किया कंपनियों का, जो कोरोना का जो जीवन रक्षक जो दवाइयां है छत्तीसगढ़ को अधिकारी भेजना पड़ रहा है हैदराबाद पुणे, क्यों? क्योंकि 6 महीने से उनका पैसा नहीं दिए, 400 करोड़ सेस लगा के कोरोना के नाम से लेके बैठे हैं, उसको नहीं रिलीज करेंगे, उसको नहीं ये करेंगे और बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी रिली राजनीति कर रही है। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य समझ चुका है, बहुत सारे सवाल आपने यहां पर उठाए हैं, जवाब भी दिए हैं रजनीश जी। एक और जवाब मैं चाहूंगा, उसके बाद मैं अजय जी की तरफ जाऊंगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी क्या आप लोग देंगे कुछ? ये कांग्रेसी लगातार मांग कर रहे हैं। नहीं, हमको मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई अपील नहीं आया है। हम लोग पिछले समय प्रधानमंत्री केयर्स में दिए थे और अपने निधि से भी दिए थे बिना किसी के कहे, और अभी तक मेरे को 2.5 साल में किसी मुद्दे पर याद नहीं आता। हम लोग तो पहली बार के विधायक हैं चलिए, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं को कभी यह नहीं पूछा गया कि आप लोग की क्या राय है। उद्धव ठाकरे जी बात कर लिए विपक्ष से, शिवराज जी बात कर लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी बात कर लिए, इन्हीं के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बात कर लिए, लेकिन ये सरकार आज तक कभी आप एक बता दीजिए कि इन्होंने कहा है कि विपक्ष बैठ जाए, कि आप लोग विपक्ष तो क्या हम अपने हिसाब से पूरे कोरोना काल में ये टीवी में आके बैठ के हमसे कहें अब हम इनको पैसा दे दें? विपक्ष के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे सदैव खुले हैं। विपक्ष जिस दिन चाहे वहां जाकर के अपनी बातें रख सकता है। मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो जाते हैं और अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, और उनके सुझावों पे अगर उनको लगता है कि ये सुझाव बहुत अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए है, तो उन सुझावों पे अमल भी होता है। रजनीश जी जैसे खुद ही कह रहे थे कि पहले बार के विधायक हैं, तो इनको शायद अनुभव नहीं होगा, लेकिन प्रदेश की राजनीति में संसदीय परंपरा में इस तरीके की चीजें होती हैं। जिस तरीके से आप लोग आज राज्यपाल जी के यहाँ गए थे, उसी तरीके से आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जा सकते हैं। क्या विपक्ष को आमंत्रण की जरूरत है? छत्तीसगढ़ के लोगों की जान बचाने के लिए आप निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं कि आपको आमंत्रण दिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, मनुहार की जाएगी, तब आप आकर के बात करेंगे? तो ये आपका जो हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप केवल राजनीति करने के, संक्रमण काल में लोगों के जीवन से खेलने के, डर भय और अफवाह फैलाने के अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा कार्य नहीं कर रही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, एक साथ बोलो, ये जो आपकी परंपरा है ये आपको मुबारक हो। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप गणना कर रहे थे जनसंख्या से, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का आंकड़ा कर ले लीजिए। वहां के आपके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, उन्होंने 104 करोड़ रुपए का कोरोना का राहत पैकेज बनाया है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 850 करोड़ की राशि कोरोना से लड़ने के लिए आवंटित कर दी है। तो क्या अंतर है, क्या सोच है? हम कोरोना से लड़ रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे थे, वैक्सीन आपने दिलाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं, जो गंभीर हालात हैं, उससे बचने का एक ही एकमात्र उपाय है कि हम यहां पर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, वहां की स्थिति कह रही है कि मैं भयावह रूप ले चुकी हूं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जाए। जिन राज्यों में वैक्सीन की जरूरत नहीं है या संक्रमण कम है, उन राज्यों को देने के बजाय, या फिर अपने जो इस्लामिक मुल्क हैं जो इनके खास, जिनके जहां जाकर ये बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान की बात कर ले या बांग्लादेश की बात कर ले, उनको देने के बजाय छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, आदिवासी राज्य को अगर आप अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे रजनीश जी, तो कम से कम यहाँ के लोगों की जान बच जाएगी। जिन लोगों के दम पर आप आज विधायक बने हुए हैं, आपको यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती है। यही तो हम कहते हैं कि आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। रजनीश जी, अभी सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात कही गई है, क्या उसमें कुछ सुझाव रखे जाएंगे, क्या आप लोग बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल सुझाव हम लोग लगातार दे रहे हैं अभिषेक जी,
लेकिन अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सुझाव? आपको ये भी बताना चाहिए, अभिषेक जी इनसे पूछिए, ये राज्य सरकार से आमंत्रण की बात कर रहे हैं तो क्या मोदी जी इनके घर आए थे आमंत्रण देने, तब इन्होंने पीएम केयर फंड में अपने तनखे का पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया था? ये भी आपको बताना चाहिए, ये प्रश्न अवश्य पूछिएगा। क्या है अभिषेक जी, रजनी जी, हाँ अभिषेक जी, क्या है कि जो फैक्ट में बात करते ना, जो हवा में बात करते हैं, उनसे साथ क्या बात किया जाए? ये इतना बड़ा ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं, 850 करोड़ आवंटित हो गया, अभी इनको पूछूंगा कि किस जिले में किस किस के लिए दिए हैं, एक तो बताओ, 850 करोड़ कागज में दे दिए हो, क्या दिए हो उसको तो बताओ, कि बिलासपुर को हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए, क्या चीज के लिए दिए हो 800 करोड़ दिए हो? अभी बोल रहे थे कि इस्लामिक मुल्क में मुफ्त में दे रहे हैं, अरे आप इन वैक्सीनेशन के ऊपर संदेह खड़ा किए हो देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप जब जान रहे हो कुछ नहीं हो रहा है तो कैसे करें? वैक्सीन मंगाओ। अरे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को क्यों दे रहे हो, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दे रहे हो, इस पर जवाब दो। पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों, बांग्लादेश से इतना प्यार क्यों, ये रिश्ता क्यों, क्या कहलाता है, ये तो बताओ भाई साहब। अभी मेरी बारी है, उसके बाद आपका भी सुना हूं मैं, धैर्य रखिए, पेशेंट। 7% यहाँ का जो वैक्सीनेशन खराब हुआ है, कौन जवाबदार? आप जो बड़ी बड़ी बात करते हो कि पीएम केयर फंड में दिए हैं और देंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए भी कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको जब बात आती है छत्तीसगढ़ की तो देश में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आपदा कोष में देंगे आप कि नहीं देंगे, ये बताइए ना, हाँ यस और नो, पूरा छत्तीसगढ़ राजनीति कर रहे हैं। पहले इनको बोरा नहीं मिल रहा था, विधानसभा में आया कि बोरा उपलब्ध नहीं कराना है, उसी प्रकार के इनका काम है राजनीति करने का। हम सकारात्मक सोच के साथ पूरा छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जो हो सकता है करेंगे, और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस को भगवान भरोसे छोड़ दी है। कहां लड़ता दिखता है बताइए आप, एक जगह को मेरे को बताइए छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो रहा है, एक प्रयास मेरे को बताइए कि कहीं मुख्यमंत्री गए हैं, कोई मंत्री गया है, सरकार के कोई आला अधिकारी गया है? और केंद्रीय टीम आई थी, केंद्रीय टीम क्या क्या सिफारिश की है? अभी ये बोल रहे हैं मोदी जी इनके घर आए थे, कम से कम 10 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, 10 बार। कुछ सीख लीजिए, कुछ समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ रही है। 2.5 साल अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आओगे मैदान में तब बताएगी। जो बोल रहे हो कि मोदी जी ने क्या किया है, देख रहे हैं, बार बार ये लगाते थे ना कि मोदी जी बिन बताए लॉकडाउन किए, क्यों लॉकडाउन किए? जब लॉकडाउन नहीं है इसका हल, तो क्यों पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करना पड़ा? और ऐसे स्थिति में लॉकडाउन करना पड़ा कि जब पूरा छत्तीसगढ़ त्राहि त्राहि करने लगा, यही अंतर है, यही सीख लो। आप ही मोदी जी के करीब में नहीं पहुंच सकते, उनके सोच में नहीं पहुंच सकते, बड़े आरोप लगा के लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ये आपके चैनल में और आप भी एड करते हैं, मरीज छोड़ दीजिए, आप देखिएगा पुराना लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। और आप इसी कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, हर जगह उनसे आग्रह निवेदन किए हैं, जितने जगह से हो सकता है निवेदन किए हैं, उसके बाद दरवाजा जब खुला है जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, नहीं तो जहां जहां जाना है जाएंगे, और आप लोग को आईना दिखाएंगे, लापरवाही किए हो, जिद किए हो, अकर्मण्यता किए हो, वो सबको जनता के सामने रखेंगे भी। अजय जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, कोरोना संक्रमण के जो हालात इस वक्त हैं, इनसे निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की जो बात कही गई है, क्या इस बैठक के बाद माना जाए कोई सब साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि सभी के सुझाव लिए जाएंगे? देखिए, हमारी सरकार COVID-19 संक्रमण काल से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है, बेड की व्यवस्था हो रही है, 20,000-22,000 क्वारंटाइन सेंटर हमारे पास रोड मैप में बने हुए हैं, और बहुत जल्द उनको जो क्वारंटाइन सेंटर है उनको क्रियान्वित करने के लिए जो 850 करोड़ का फंड जारी किया गया है, उसके बाद गांव में ही इलाज होने लगेंगे, ये थोड़े समय की ये बातें हैं। और जो लॉकडाउन है ये भी कोई पूर्णकालिक नहीं है, जैसी स्थितियां नियंत्रण में आएगी, लोग जागरूक होंगे और केसेस कंट्रोल में आएंगे तो लॉकडाउन भी खुलेगा, अनलॉक की ओर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को मास्क लगाना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, लक्षण आने पर अपनी जांच कराएं, खुद भी सुरक्षित रहे, लोगों को सुरक्षित रखें, और भारतीय जनता पार्टी को सलाह दूंगा इस संक्रमण काल में कम से कम राजनीति करने का कारण ना करें। रजनी जी, बहुत संक्षेप में आपकी भी कोई सलाह, हालांकि आप लोगों को सलाह देने का जल्द ही मौका सर्वदलीय बैठक में मिलेगा। नहीं, निश्चित रूप से यदि सरकार की तरफ से
ये देर से जाके अभी अब जब इनके हाथ में कुछ नहीं रहे तो करते हैं, तो हम लगातार सुझाव दे रहे हैं। अभिषेक जी कहीं पर हम तो कहते हैं आप जैसे विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आकलन करिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो कब राजनीति की है, कब राजनीति की बात की है। हम लोग बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस यदि समझती है कि हम चुप रहेंगे तो इनको आईना दिखाया जाएगा, इनको लापरवाही को लाया जाएगा और जो बेस्ट हो सकता है हम करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। और यदि सर्वदलीय बैठक होती है, वैसी कोई बैठक होती है, तो हमारे वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से सार्थक सुझाव देंगे, उसमें सहयोग करेंगे, देते आए हैं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा सार्थक ही होनी चाहिए क्योंकि संक्रमण काल है, इस वक्त सियासत ना के बराबर होनी चाहिए। हालांकि सियासी लोग हैं, सियासत तो करना लाजमी है, लेकिन इस वक्त कम से कम जरूरी है कि सभी मिलकर इस संक्रमण को पीछे ढकेलें। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जगह कैसे इससे निपटा जाए, ये इस वक्त बेहद ज़रूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्थिति जिस स्थिति में है वो बेहद ख़तरनाक स्थिति है और यहाँ से निकलने के लिए पूरी ताकत सभी को मिलकर लगानी होगी, आम लोगों को भी और ख़ास लोगों को भी। आज का मुद्दा में इतना, नमस्कार।